तो हम लोग का चाओ चाओ फ्राई आ गया है। कैसा रहा खा के देखो? हमने सोचा कि ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन ब्रिज बहुत खूबसूरत जगह पे गया है। ऊपर जो जंगल है और ये नदी देखिए किनारे पे। जिस प्लेस में हम लोग रुके हैं ना निहारिका की दीदी के घर पे, तो वहाँ की कॉलोनी ऐसी है। देखिए सब लोगों ने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया हुआ है पानी गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मैं सबसे अच्छा मॉर्निंग वॉक करने के लिए ट्रैक बना हुआ है ऐसे डाउन पे अपिल्स, डाउन अपिल्स, तो ये काफ़ी अच्छा है। और सुबह सुबह जो यहाँ पर मतलब मॉर्निंग में ना एक मतलब अपने गाँव से फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर चिड़ियाओं की बिल्कुल एकदम से आवाज़ आती है सुबह सुबह मस्त करके। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो कल हम लोग आए थे परसों, पहले आए थे हम लोग सोनौली बॉर्डर, लखनऊ से सोनौली बॉर्डर, फिर उसके बाद सोनौली बॉर्डर से काठमांडू। कल हमने घुमा था पूरा काठमांडू शहर। ब्लॉग सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अगर आपको देखना तो देख लीजिएगा, अच्छे लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिलहाल आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है यहाँ से पोखरा जाने का काठमांडू से। तो अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं, नीचे जाके फूल बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए हैं नीचे साइड में ना, बहुत निहारिका को फूल काफ़ी अच्छे लगते हैं तो उसे काफ़ी फूल पसंद है। तो हम करते हैं आज की यात्रा स्टार्ट काठमांडू से पोखरा की। तो ये है अभी से निहारिका का भतीजाला, हम लोग इसके मौसा मौसी हैं। तो हमने इसको किया है 2-3 दिन तक काफ़ी परेशान। एक्चुअली क्या था कि ये हमारे लिए पूरा खाना वाना बना के रख रहा था पूरा, निहारिका ने थोड़ी बहुत हेल्प की थी, लेकिन पहले दिन तो पूरा खाना आता था जबरदस्त औसम, सब्जी और दाल बहुत जबरदस्त बनाई थी। चलो मिलते हैं कभी वहाँ लखनऊ आओगे तो मिलने आना जरूर, ठीक है? हाँ, अनुराग के घर से हमसे 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। अनुराग आना था पक्का आना, ठीक है? ठीक। तो फिर हम लोग निकल रहे हैं, पीछे देखा फूल तुमने कितने प्यारे प्यारे। फिर हम लोग निकल रहे हैं सीधे पोखरा की ओर, अभी फिलहाल हैं काठमांडू में। तो आप सोसाइटी देखिए ना, ये सोसाइटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब लोग यहाँ पे थोड़ा जागरूक में थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाउन हिल्स और फिल्स दोनों है ना एक साथ, थोड़ा ऐसे इंक्लाइन में ये पूरे मकान बने हुए, लेकिन सारे खूबसूरत है, सारे एक जैसे हैं और काफ़ी मतलब लोगों ने काफ़ी अच्छे मकान बनाए हुए हैं। कॉलोनी देखो कितनी मस्त लग रही है एकदम से, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल एकदम से। क्या पूरा काठमांडू शहर आप देखोगे, पूरा काठमांडू शहर पूरा बहुत साफ सुथरा है, हमको भी कहीं गंदगी नहीं मिली ना पूरे उसमें, चाहे कोई मंदिर हो चाहे कोई मतलब कोई विजिटिंग प्लेस हो, तो गंदगी कहीं नहीं है, पूरा शहर बिल्कुल एकदम से साफ है, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ऐसा लगा कोई गंदगी कहीं नहीं पड़ी हुई है पूरे शहर के अंदर। देखिए ना, जो मैं आपको कल बताया था टोयोटा की, देखिए ले लोकल टैक्सी टोयोटा की ऐसी है यहाँ पे, जो लंबे रूट पे भी काम आ रही है, छोटे रूट पे भी, इसमें मतलब 15-16 लोग बैठ रहे हैं आराम से। तो यहाँ नेपाल में महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हम लोग इंडिया से आते हैं तो हमको लगता है कि इंडिया के पैसे हमारे बढ़ गए, लेकिन यहाँ चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। अगर आपको लगा हुआ है कि ऐसा नहीं है, जो प्राइस हमको मतलब 40 या 50 रुपये प्लेट मोमो हम लोग खाते हैं वो यहाँ पे है 100 रुपये, और जो चिकन हम लोग लेते हैं 150 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, वो यहाँ है 400 रुपये किलो। तो मतलब इतना ज़्यादा फर्क है, ये काफ़ी महंगा मतलब देश है, हम लोग को फील नहीं होता, लेकिन जो यहाँ के लोग रह रहे हैं उनको तो महंगाई लगी रही है। तो इसलिए लोग आते हैं बाहर माइग्रेशन करके इंडिया पैसे कमाने के, क्योंकि उनको जितने पैसे यहाँ कमाने हैं उससे ज़्यादा वो इंडिया में कमाएंगे और आराम से अपने जीवन यापन करेंगे तक लेंगे, तो यहाँ आएंगे तो उनके पैसे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक फ़ायदा ये है कि मम्मी पापा लोग जितने मतलब ये थे कि उन लोग को हम लोग बोल रहे थे कि भैया नहीं, यहाँ ये फायदा है कि 15 मिनट टाइम ज़्यादा होता है ना, 15 मिनट टाइम ज़्यादा होने की वजह से, 15 मिनट टाइम ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ मालूम आपको, सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जैसे हमने 6 बजे निकलने का वो किया था प्रोग्राम, मुझे मानता कि घंटे लेट तो होंगे, तो 7 बजे सब लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम लोग निकल रहे हैं 7:45 15 मिनट पहले, क्योंकि ये लोग अपने मोबाइल में देख रहे हैं 7 बजे। ये फ़ायदा है मतलब अभी टोटल ऐसा।
जो दूरी थी काठमांडू से लेके पोखरा तक वो है 2004 किलोमीटर। पहले हम लोग चले थे एक पहाड़, अब आ गया डाउन हिल्स वाला एरिया पूरा। मतलब अभी जो गाड़ी है बीच में रास्ते में रोड पीछे खराब है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, लेकिन फिर भी मतलब ठीक है अभी कंडीशन। जैसे रोड से हम लोग आए थे आते तक काठमांडू, उस वाली रोड से मतलब कंडीशन काफ़ी अच्छी है इस रोड की। देखिए वो गूगल मैप दिखा रहा है कि हम लोग को 6 घंटे लगेंगे पोखरा पहुँचने में, तो 7, 6, 6, 2 यानी हम 3 बजे तक पोखरा पहुँच जाएंगे अगर मतलब सब कुछ सही रहा तो। तो देखते हैं अभी रास्ते में क्या क्या और विजिटिंग प्लेस हैं काठमांडू से लेके पोखरा तक के बीच में, थोड़े बहुत वो एक्सप्लोर करेंगे वरना फिर गाड़ी चलाएंगे और क्या क्या कुछ प्लेस नहीं होगा। तो रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा कैसा है, अभी पूरा ब्लॉग देखना काफ़ी मज़ा आएगा। ये भी क्या होता है रास्ता कुछ अच्छा हो चाहे कुछ गंदा हो, सब सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ब्रेकफास्ट चाव चाव फ्राई, ये चाव चाव फ्राई है, ये जीरा आलू, ये चना मसाला, इसमें क्या है, इसमें झोल तरकारी और साथ साथ में ये कुछ पकौड़े हैं ऐसे। तो हम लोग का चाव चाव फ्राई आ गया है, कैसा रहा खा के देखो। सही है, मम्मी पापा लोग के लिए रोटी हमने मंगाई, अभी रोटी बन के आ रही है सुबह के नाश्ते के लिए। देखिए अभी अभी तक हम लोग जब नाश्ता कर रहे थे ना तो सिर्फ हमारी गाड़ी गई थी, तो उन्होंने बोला था गाड़ी तो साइड कर लो और गाड़ी लगेंगी। तो अभी अभी देखिए 1, 2, 3, 4 बसें भी आके खड़ी हुई है, 1-2 गाड़ी पीछे खड़ी हुई है। और तो ऐसे कुछ ज़्यादा फूड कोर्ट है रोड के बिल्कुल हाईवे के किनारे जहाँ पर आप कर सकते हैं नाश्ता। जो रोटी है वो रोटी है पैक्ड वाली रोटी, रोटी वो मैं तुरंत गर्म करके दे देते हैं, तो बाकी आप चाव चाव खा सकते हो आराम से। तो ये कुछ देखो पहाड़ ऊपर का नज़ारा, इधर कहीं आसपास बननी थी एक टनल, उधर पे टनल बननी है तो सीधे काठमांडू निकल जाएगी। वो शायद चाइना उसको टनल को बना रहा है, वो सीधे निकलेगी अंदर ही अंदर पहाड़ सीधे काठमांडू। 15 किलोमीटर रास्ता आने वाले टाइम पर ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब। It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love. आप सामने का नज़ारा देख रहे हो ना, कितना जबरदस्त लग रहा है ये। वो उधर नदी बह रही है मस्त करके और उसके ऊपर है ब्रिज, अभी जब ब्रिज क्रॉस करेंगे तो और चेंज दे दिखाएंगे आप। हमने सोचा कि ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा लेकिन ब्रिज बहुत खूबसूरत जगह पर गया है, ऊपर जो जंगल है और ये नदी देखिए किनारे पे बह रही है मस्त। ऊपर कोई जगह थी तो गाँव को उधर को ब्रिज गया था, तो ये देखिए नदी बहुत प्यारी प्यारी लग रही है। अगर आपको करनी है राफ्टिंग तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे बेनी घाट पे, तो ये पोखरा और काठमांडू के बीच का रास्ता है, तो नदी के किनारे किनारे एक नदी बह रही है किनारे, तो यहाँ पे हो रही है राफ्टिंग। अगर आपको राफ्टिंग करने का शौक है या आपको राफ्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे राफ्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा नदी का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और लोग भी काफ़ी हैं, तो यानी कि राफ्टिंग सही होती होगी क्योंकि बहुत सही राफ्टिंग हम लोग देख रहे थे नदी में तैर रही थी अभी, तो यानी कि आप राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जगह पे जिप लाइन भी लगी हुई है, लंबी लंबी जिप लाइन है यहाँ से मतलब इस यहाँ से पार मतलब गांव में करीब 1.5 किलोमीटर लंबी होगी जिप लाइन, तो आप जिप लाइन की भी मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जिस हिसाब से नेपाल जाना जाता है तो वो आप यहाँ आके पूरा कर सकते हैं बेनी घाट में। मतलब ये बेनी घाट इस प्लेस का नाम है, ये करीब आपके काठमांडू से 60-70 किलोमीटर आगे रहेगा पोखरा जाते समय। केले हैं 50 रुपये दर्जन, साइज छोटा है लेकिन मीठा बहुत है, तो हमने यहाँ पर से लिए केले। यहाँ पर पूरी दुकान केलों की लगी है आगे से लेके पीछे तक,
सब लोग के पास मतलब केले हैं यहाँ पर। सामने आप देखे ना होंगांधी सीमेंट एनसेल सिटीजन बैंक लिखा हुआ है, तो ये जो ऊपर ट्रॉली जा रही है ये है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मतलब ट्रॉली रोपवे, मतलब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोपवे है जो ऊपर जाएगा मनकामना मंदिर। देखते हैं अगर टिकट हमारे मतलब बजट फ्रेंडली होगा तो हम लोग जाएंगे देखने के लिए मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो अभी क्या था कि हम लोग मनोकामना मंदिर गए हुए थे, तो ये ब्लॉग मैं इसके बाद डालूंगा क्योंकि ब्लॉग बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े, तो मनोकामना मंदिर का सेपरेट ब्लॉक क्योंकि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोप है उसके लिए। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं मनोकामना मंदिर के यहाँ पर बहुत सुबह से मॉर्निंग में 10:30 बजे और वहाँ से वापस आए हैं 3 बजे। ब्लॉक कैसा है, ऐसा क्यों टाइम लगा वो अगले अगले ब्लॉक में आप देख लेना। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं 3:30 बजे यहाँ से पोखरा की ओर को। मनोकामना मंदिर से पोखरा की जो डिस्टेंस है वो है करीब 90 किलोमीटर। गूगल मैप क्या 3 घंटे दिखा रहा है, रोड कुछ ऐसी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, रोड तो ऐसे मतलब सिंगल टाइप की है, ज़्यादा थोड़ी रोड नहीं है, लेकिन ये जो गांव का रास्ता है ना पोखरा टू मतलब ये जो जा रहा है काठमांडू से पोखरा बिल्कुल अपने पूरा पूरे उत्तराखंड की पूरी पूरी फीलिंग है यहाँ। वही भीमल के पेड़, वही भयों के पेड़, मतलब मज़ा आ गया था पूरा रास्ता देख के ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब कि हम लोग विदेश में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, लग रहा है कि मतलब कि हम लोग मतलब उत्तराखंड के अंदर ही कहीं गाड़ी चला रहे हैं कहीं। और अगर हल्का का जो फीलिंग आ रही है ना वैसे कभी अल्मोड़ा से जैसे उधरते हैं खैरना की ओर को, या रानीकेश से खैरना की ओर उधरते हैं, या आपका उधरते हैं बागेश्वर से बागेश्वर की ओर को उधरते हैं, या मुंशारी से थल की ओर उधरते हैं, तो वही वाली पूरी फीलिंग आ रही है। रोड की कंडीशन कहीं पर सही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ख़राब भी है, लेकिन रोड मतलब फिर भी ठीक है कोई मिला के। जिस रोड से हम लोग काठमांडू पहुँचे थे उससे तो लाख गुना अच्छी है, तो मतलब व्यू काफ़ी अच्छा है। व्यू मतलब ना बहुत ज़बरदस्त व्यू है इस वैली का मतलब। और यहाँ पे जैसे एक अभी लिखा था ना हमारे यहाँ कोई रेस्टोरेंट होगा ना मतलब पहाड़ में तो उसे बोलेंगे ग्रीन वैली रेस्टोरेंट, तो यहाँ बोलते हैं ग्रीन वैली रेस्टोरेंट। मतलब थोड़ा इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, मतलब बोलने का तरीका वही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। हाँ बड़ी के ऊपर छोटी की मात्रा है। हाँ वॉकी जॉब पे भाव यूज कर रहे हैं ना, वॉकी जॉब पे भाव यूज कर रहे हैं, वैली को भ्याली बोल रहे हैं ऐसे, मतलब कुछ वर्ड थोड़े हैं समझ में आते हैं, मतलब थोड़ी बहुत नेपाली समझ में आती है मेरे तो, निहारिका के तो पूरी समझ में आती है, निहारिका बात करके अपना बार्गेनिंग करके सामान वामान भी ले लेती है। तो ये ऐसा मतलब रास्ता है अभी तक फिलहाल। अभी जो बचा है पोखरा वो बचा है करीब 60 किलोमीटर ना, 50 किलोमीटर अभी मतलब एक सप्ताह रहता है कि पोखरा आखिर कैसा होगा, इसमें 56 किलोमीटर लिखा हुआ है जो माइल्स है, मतलब ये भी मतलब लग रहा है कि यार लोग आते हैं पोखरा देखते हैं, तो थोड़ा हम लोग भी देखें कैसा दिखता है। लोग बोलते हैं नैनीताल की तुलना में वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन
नहीं, दाल और पोखरा में अंतर तो वही हुआ थोड़ा, कहा नहीं दाल बिल्कुल प्लेन्स के पहाड़ है और हम पोखरा के लिए हमको गाड़ी चलानी बहुत ज्यादा पड़ गई। देखते हैं कैसा है अभी और आगे। पीछे तो लोग धान भी लाने लग गए थे, मतलब ये है कंडीशन, कहीं गेहूँ पक गए हैं तो कहीं रोपा लग रहा है, लगा पीछे धान लगाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना गाँव, कितने प्यारे लग रहे हैं देखो। ऐसा क्या सोमेश्वर वैली, चकुटिया वैली, ऐसी वाली वैली में मतलब हम लोग चला रहे हैं गाड़ी वाला, अभी ऐसा फील हो रहा है। कोई सीधी सीधी रोड है गाँव के बीच से। I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you... तो यहाँ पे चल रही है, यहाँ पर चेक करा भंसार, साथ में यहाँ पे चल रही है चाय। तो इन लोग की है हालत बिल्कुल पतली, यहाँ पर था वॉशरूम बिल्कुल पीछे, तो वहाँ पे वॉशरूम में फ्रेशर्स भी हो गए साथ साथ में। अभी है पोखरा करीब 20 किलोमीटर और बचा हुआ है। मम्मी घर से लेके आई है गुजिया, तो गुजिया भी खत्म होगी, थोड़ी गुड़ गुड़ बजाया मम्मी के पास बस। No air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight, I know. It's just so hard to let it go. Shine a light, I can. So guys, हमने की है काठमांडू से लेके पोखरा तक की यात्रा, जो थी आपकी 200 किलोमीटर। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रास्ते की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो हमने रूम लिया है पोखरा में आके, वो लिया है सितंबर 2 में, होटल ड्रीम लाइट। तो हमने होटल ड्रीम लाइट लिया हुआ है, तो ये हमने वो बुक किया था booking.com से, जो हम लोग को पड़ा था INR 1000 रुपये का। दो रूम हमने किए, मम्मी पापा के लिए एक, निहार का। मैंने हर रूम पे एक डबल बेड और एक सिंगल बेड उपलब्ध है। नेपाल में सब जगह ऐसा ही होता है कि कोई भी आप रूम लोगे तो उसमें एक डबल बेड एक सिंगल बेड आपको मिलता है एक्स्ट्रा। तो मिलते हैं, तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आधी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।